Bring the action. हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन की मोटर उल्टी घूमती है और लोड नहीं उठाती, तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करें, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों देखो, ये जो है बिल्कुल अपने है ना, न्यू मोटर है, नई मोटर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, लोड बिल्कुल नहीं उठा दी, एकदम कम लोड उठा दी है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है हमको, देखो हमको इसकी जो पिन आती है, पहले तो ये जो पिन आती है मोटर की, ये एक्सीलेटर जो होता है ये, तो ये पिन को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेटिंग होता है, ये जो इसका सेटिंग आपको अच्छे से मिला देना है, ये जो पिन होता है उसका सेटिंग होता है, बाकी इसमें और कुछ होता नहीं है प्रॉब्लम। अगर उल्टी भी घूमती है मोटर तो इसी में से आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। तो वीडियो देखें पूरा। हमको पहले ये जो दोनों नट है हमने खोल दिए, ठीक है, ये जो पिन है उसको खोल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको ये पूरा निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे हमको चेक कर देना है इसको, ये जो पिन है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो पिन है इसको खोल देना है, ठीक है। ये दोनों पिन को हमको खोल देना है, ठीक है। तो ये पिन खुल चुकी है, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें जो ये जो है अपने ब्लैक और जो है रेड वायर है, ये जो अपने होता है मेन वायर होता है मोटर का, ठीक है। तो ये अपने इसका रेड और ब्लैक है ना, ये जो एक्सीलेटर आता है इसका रेड वायर हमको इधर मिला देना है, ठीक है। और इसका रेड और ये जो एक ये जो चपला होता है उसका ब्लैक हमको अंदर डाल देना है, ऐसे इसका सेटिंग होता है, ठीक है। और ये जो है ब्लैक और ये जो है हरा कलर का वायर है, ठीक है, इसको ऐसे सेटिंग मिला देना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्टार्ट करते हो, कंप्लीट हमने हुआ लोड वोड उठाती है कि नहीं उठाती, तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको चेक करके बता दूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे फिटिंग कर देना है अच्छे से, ठीक है, ऐसे करके मिला देना है। इसका जो सेटिंग है वो अच्छे से देख लो आप, ठीक है। चलो तो ये हो चुका है, उसके बाद ये ऐसे हमको मिला देना है वायर, ठीक है। उसके बाद हम ये जो पिन दिख रही है आपको, इसको फिटिंग कर देना है, ठीक है। ये जो पिन है उसको फिटिंग कर देना है, ठीक है। तो ऐसे इसको अच्छे से फिट कर देना है, ये जो होल है उसमें लगा देना है, ठीक है। ये जो नट होती है अंदर वाली उसको फिटिंग कर देना है, उसके बाद ये जो पिन का अभी आपने हमने देखा था ये रेड वाला ऊपर जाता, ठीक है, इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। और बीच में ब्लैक था और आखिर में तीसरे नंबर पे ये हरे कलर का वायर था, ठीक है। तो ऐसे इसको रख देना है ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से रख देना है, ठीक है। उसके बाद ये पिन को लगा देना है, तो ये देखिए ये बिल्कुल सही हो चुकी है, ठीक है। इधर इसकी नट है उसको लगा देना, ठीक है। तो ये जो है मोटर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बिल्कुल है वो अभी बिल्कुल सही घूम रही है, ठीक है, अच्छे से लोड भी उठा रही है। देखो ये जो इसका लोड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको ठीक कर देना है, सेटिंग इसका ऐसे ही मिला देना है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, देखो ये बिल्कुल घूम रही है।
सिलाई मशीन के और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इकरा सिलाई मशीन सब्सक्राइब करें।